मॉर्निंग। अरे 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 आई आई सब। गुड मॉर्निंग बोल ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पांची दीदी को श्रेयस भाई को डोर खोलने के लिए बोलेगा आयु, क्योंकि वो डोर अंदर से बंद कर दिया है। ये बैड बॉय है, सुबह से मुझे मेरा बाल खींच के उठा चुका है ये। मतलब इतना बदमाश है ना, मैं क्या बताऊँ। तो एनीवे आज हम लोगों का प्लान था मेरा हेयर कट करने के लिए जाने के लिए, बट एग्जाम्स आ रहे तो बेटर मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ूँ। मम्मी हेयर कट करने वाला प्लान कैंसिल। तो मम्मी ने बोला टाइम नहीं है, तो अगर तुम पढ़ लोगी तो जाएंगे। तो हमारे पास एक दो ऑर्डर आए हैं मीशो से, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बाद में ओहो ना, कि ऐसे ही वीक चला जाएगा। और इस वीक के लास्ट में हम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा इस वीक के लास्ट। अरे हाँ हम तो जा रहे हैं। तो मीशो से दो ऑर्डर आया है जो कि बैंगलोर के लिए आई नीड। एक तो है एक स्कर्ट, तो पहले स्कर्ट को खोल के देखते हैं। अरे अरे लेट्स होप अच्छा आया हो। आई हैव हाई होप्स फॉर दिस। ब्लैक स्कर्ट है एक, नी लेंथ वाला। मेरे पास कभी नी लेंथ स्कर्ट नहीं थे। या हियर इज द स्कर्ट। चलो इसको पहन के देखते हैं। तो चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ स्कर्ट, इधर से खड़े होकर दिखाती हूँ। सो दिस इज द स्कर्ट। ऐसे इधर से एक स्लिट है, थोड़ा सा बॉडी शेपिंग है। इसके साथ लाइक एक अच्छा सा ब्लैक टॉप या वाइट ऐसा कुछ टॉप वुड लुक बेटर ऑन दिस। हियर टॉप को तो इग्नोर करो। ये लाइक इसका कपड़ा लाइक थोड़ा सा गेंजी गेंजी कपड़ा है। आई डोंट गेंजी कपड़ा को क्या बोलते हैं, बट दिस इज स्ट्रेचेबल, दिस इज सुपर स्ट्रेचेबल। तो कोई भी साइज पे इसको अच्छे से पहन सकते हैं। तो आई लाइक दिस स्कर्ट, थोड़ा सा फैशनेबल है, थोड़ा सा ट्रेंडी है, सो इट्स प्रीटी नाइस। तो हम लोग ये रखने वाले हैं। चलो नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। जो नेक्स्ट वाला ऑर्डर है वो है शूज़, क्योंकि लाइक मेरा जो शू है ना उसमें ना एक दिन लाइक एक कीड़ा निकल आया था शू के अंदर से, पर मैं वो शू को फिर भी पहन रही थी तब। तो इसलिए मम्मी ने एक न्यू फ्लिप फ्लॉप मंगाया मेरे लिए। दिस इज़ अ फ्लिप फ्लॉप। एक बड़ा सा फ्लिप फ्लॉप मुझे पहले देखने पर लगा, बट नहीं ये दो फ्लिप फ्लॉप है। ये है वो फ्लिप फ्लॉप। उसका स्मेल काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो, जैसे जूते चप्पलों का स्मेल, पेट्रोल वेट्रोल का स्मेल इतना पसंद क्यों है, बट यू नो। तो ये है वो फ्लिप फ्लॉप जो कि प्रियांशी को अच्छा नहीं लगा, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा उसको पहनने में। वो तो चूज की थी देख के कि मम्मी ये वाला मंगा दो, लेकिन आने से उसको ना पहनने से मतलब उसका जो प्लास्टिक है वो चुभने चुभने जैसा लगा, इसीलिए वो बोले कि ये नहीं रखेगी और ये रिटर्न जाएगा। इसलिए वो देख के वो इसीलिए ट्राई कर रही थी इस जगह पे। मम्मी को बोला इसको रिटर्न करने के बारे में, तो मम्मी ने बोला लाइक दिखता तो ठीक ठाक ही है, तुम्हारी मर्जी अगर तुम्हें रिटर्न करना है तो। इसलिए आई थिंक विल प्रोबेबली रिटर्न इट, क्योंकि ये मेरे स्टाइल का पहली बात बिल्कुल नहीं है। ये रिटर्न होने वाला है। अभी अनबॉक्सिंग एंड ऑल सब हो गया, सो अभी हम लोग पढ़ने बैठेंगे ओडिया। वो खेलू खेलू कर रहा है इधर, और अभी पंछी इधर पढ़ाई करेगी। ओके आयु फिर भी हम लोग हेयर कट करवाने जा रहे हैं। एंड आज मेरा हेयर कट हो गया। ये हेयर कट के आफ्टर रिजल्ट सब लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। हेयर कट्स के आफ्टर रिजल्ट आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलो चलते हैं हेयर कट करने, एंड आप सभी से मिलती हूँ मेरा हेयर कट करने के बाद। आयु
देखो देखो आयु 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 के लिए टॉय है। दीदी का बाल कहाँ गया? चला गया, चूहा अंकल ने ले लिया। नहीं, दीदी का बाल आयु के पास। थोड़ा ट्रांसफर आयु का चुटकी थोड़ा दिखा दो अपने लोगों। आयु ने ऐसा पोनी किया है, नहीं रहना है, अभी नहीं रहना है इसको किसी के पास भी। तो मेरा बाल का पूरा रिवील कर ही देती हूँ। सो दिस इज मेरा बाल, ऐसा दिख रहा है। मैंने कट करवा के लाया, मतलब अभी थोड़ा सा लाइक कर ली था, तब जैसे मैंने कट कर तब थोड़ा ऐसे ऐसे वेवी सा था, बट अभी ये नॉर्मल हो गया है। बॉब कट है, काइंड ऑफ लॉन्ग बॉब। पोनी करने से ऐसा दिख रहा है। तो अभी मैं बैठ के पढ़ने वाली ओड़िया, बिकॉज परसों मेरा एग्जाम है। और ओड़िया लाइक मुझे कल तक उड़िया का बिल्कुल चिंता नहीं था, बट आज मुझे उड़िया के लिए बहुत चिंता हो रही है ना, क्यों अचानक से। बट लेट्स होप उड़िया हमारा बेटर है। तो मैं चैप्टर 3 में हूँ, चैप्टर 3 में हूँ और मैंने चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था, बट चैप्टर 1 नहीं गया था। नहीं सॉरी, चैप्टर 3 मैंने चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया था, चैप्टर 2 नहीं किया। चैप्टर 4 आएगा एंड चैप्टर 5 आएगा। तो चैप्टर 3 अभी ख़त्म करूँगी, चैप्टर 4 अभी ख़त्म करूँगी रात तक, एंड उसके बाद इफ पॉसिबल 5 हम लोग लेट नाइट स्टडी करके ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 मे बी कल के लिए रखेंगे, या फिर कल बैठ के अनुच्छेद एंड ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे, क्योंकि कम चैप्टर आ रहे हैं इस बार उड़िया के, बट ग्रामर आ रहा है उड़िया का। मेरा मन थोड़ा अजीब दिख रहा है सब कुछ में, बट कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं। मैं आप सभी से मिलती हूँ पढ़ने के बाद। आज से मैंने डिनर कर लिया है, मुझे तो भूख लग रही थी, तो मम्मी ने वो अलग फ्रेश फ्रेश बनाया था, तो खाना तो मम्मी ने बोला कि खा ले, तो उसने मैं खा ली। एंड या मैं अभी उड़िया पढ़ रही थी, और उड़िया पढ़ना मेरा अभी ख़त्म हुआ, कल भी बहुत सारा पढ़ना है। तो कल दिन मैं लेट लिटरेचर ख़त्म करूँगी, ग्रामर का याद तो इतना नहीं रखना, क्योंकि ग्रामर का ज़्यादा मार्क नहीं आने वाला, तो याद रखना है और लिख के मैं इतना प्रैक्टिस नहीं करूँगी वो। और उसके बाद अनुच्छेद को दो दो बार लिखूँगी ताकि मेरा याद हो जाए। तो या उड़िया के बाद कंप्यूटर एग्ज़ाम है जो कि ईजी है, और बाद मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म। तो या उड़िया का मुझे लाइक दो तो दिन में कल आखिरी दिन है, कल 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया हो रहा है। जितना भी मैंने घूमा, जितना भी मैंने मस्ती किया, अब आई थिंक आई प्रोबेबली रिग्रेट इट, प्रोबेबली नहीं है, एक्चुअली रिग्रेट प्रोबेबली नहीं। मेरा हेयर कट कुछ ऐसा दिख रहा है, शॉर्ट हो गया मेरा हेयर, बट आई थिंक इट्स अ चेंज। जितने भी लोगों को लाइक अभी वो कमेंट्स में हेट बढ़ने वाला है कि लाइक तुम अपने न्यू हेयर से बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रही हो, एंड हम नहीं चाहते थे कि तुम अपना बाल काटो। सो चिल गाइस, मेरा बाल है, मेरी मर्जी है, चिल, चिंता नहीं। तो मेरा लाइक मन था थोड़ा सा ऐसे हेयर थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, तो इसलिए मैंने किया। एंड या मैक्सिमम लोग मुझे बोल रहे थे मेरा हेयर कट करने के लिए, बट मैं मैक्सिमम मिनिमम पे नहीं जा रही हूँ, मैं अपने चॉइस पे जा रही हूँ, तो इसीलिए यू गाइस डोंट चूज अबाउट माय हेयर। तो 9:53 हो रहा अभी, हम जल्दी से जाएंगे सो जाएंगे। मेरा इधर ना छाला हो गया, किधर इधर साइड में छाला हो गया, और वो बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। या मैं आपसे भी से मिलती हूँ कल, मैं भी चाहती हूँ सोना, अगर नींद नहीं आएगी वापस आऊँगी और रात को पढ़ूंगी। एंड फिलहाल मैं आपसे भी से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। तो फिर यू गाइस एंजॉयड इट, एंड अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।